ये स्कोडा की सुपर गाड़ी है। तो ये गाड़ी में ना कस्टमर का जो कंप्लेन है, क्लस्टर मीटर पे आप देख सकते हैं रेड कलर का ट्रायंगल का लाइट आ रहा है, और इसके साथ साथ ना अभी ओवर हीटिंग का जो टेम्परेचर का है वो भी ब्लिंक करने लगेगा। तो जैसे गाड़ी को मैं ट्रायल पे लेके आया हूँ और गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, उससे तो ये देखो भाई साहब गिर गए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवर हीटिंग का साइन है वो आ रहा है, आता है फिर चला जाता है, ब्लिंक करता है। तो मैं ट्रायल पे हूँ, ट्रायल मारता हूँ, फिर जो भी है आगे का मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है अपने को सॉल्व करना है कि ओवर हीटिंग का साइन आ रहा है। और ये सब में ओवर हीटिंग का साइन आता है, काफ़ी परेशान करती है गाड़ियाँ। तो क्या क्या स्टेप रहेंगे फॉलो करने को जो वन शॉट में काम हो जाए और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलो पहले तो देखते हैं, आप देख सकते हैं ये ओवर हीटिंग का आ गया है। तो ज़्यादा नहीं, मैं 1 से 2 किलोमीटर का ट्रायल मारूंगा, हाँ, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं मारूंगा तब तक ये ओवर हीटिंग का जो मैसेज है ना वो नहीं आएगा। और जो इसका टेम्परेचर है अभी है बराबर है 90 पे है, तो कैसा 90 के आगे जाता तो नहीं मारना चाहिए, तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं समझो कोल्ड में ही कर रहा हूँ। तो चलो थोड़ा देखता हूँ फिर आगे गैरेज पे देखते हैं क्या है। तो इसमें जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको मैं खोल के ले लिया था क्योंकि गाड़ी काफ़ी गर्म थी। क्यों हो रहा है वो सब मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं इसमें ना ऑयल पानी मिक्स हो गया है, ये देखो ये ऑयल पानी मिक्स हुआ है, इसकी वजह से इसका जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो एकदम मलाई ग्रीस बन गया है। और अभी इसकी वजह से कई बार ये जो डब्बा रहता है, डब्बे में सेंसर आता है, वो भी उड़ जाता है। ये एक हो गया और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो पाइप है ना, ये देखो यहाँ से भी पानी इसका लीक है, ये देखो। तो ये दोनों की वजह से ये गाड़ी ओवरहीट का साइन आ रहा है और ओवरहीट होती है। और ये जो ऑयल पानी मिक्स हुआ है वो भी क्यों हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना इसका इंटेक मैनिफोल्ड के नीचे इसका ऑयल कूलर आता है जिसमें ऑयल और पानी का लाइन रहता है। तो कई बार क्या होता है पानी का लाइन जो है वो लीक हो जाता है, तो उसमें ऑयल चला जाता है, ऑयल जाता है तो वो फिर वो ऑयल इसमें पानी में आके मिक्स हो जाता है। और उसके साथ साथ इसमें एक दो और काम थे, जैसे कि इसका ऑयल लीकेज था, और जो इसका ऑयल लीकेज था ये इसके टाइमिंग कवर से था। तो जैसे कि मैं इसको खोल के ले लिया हूँ और ढाँक दिया हूँ ताकि कुछ जाए वाए ना, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसका टाइमिंग प्लेट है, ये टाइमिंग प्लेट का ये जो रिंग है ना, ये रिंग से ऑयल लीक था, और साथ ही साथ ये इसका ऑयल सैंप है, चेम्बर है, तो चेम्बर में भी इसका प्रॉब्लम है, कोई कुछ काम वगैरह किया था इसीलिए इसको भी मैं खोल लिया हूँ। किसी ने ना यहाँ पे MC रेलर डाइट डाल के ये जुआड़ वाला काम किया था, तो यहाँ से भी ना काफ़ी ऑयल लीक था, और ऑयल लेवल का कभी कभी मैसेज आता था, कस्टमर टॉपअप करते रहता था। तो मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पे ना पूरा क्रैक हो गया है, ये देखो ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक पूरा क्रैक है। तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्रैक है। तो किसी ने ना पीछे से इसका MC रेलर लाइट डाला है, लेकिन इसका जो लीक है वो बंद नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका ऑयल सैंप रिप्लेस करूँगा, और ये जो पैकिंग है हाँ रिंग सेट में इसका चेंज करूँगा, और साथ ही साथ इसका मैं ऑयल कूलर रिप्लेस करूँगा, और इसका जो वाटर सर्कुलेशन लाइन है ना पूरा मैं फ्लश करूँगा, हाँ, और साथ ही साथ और भी जो एक दो छोटे छोटे लीकेज वगैरह हैं वो सब भी मैं सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि वहाँ पे एक छोटा टी आता है, वो टी हम रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे ऑयल कूलर से लीक है, ऑयल कूलर रिप्लेस करेंगे, और शायद से कुछ और भी नीचे है लीक वगैरह, वो तो इंटेक मैनिफोल्ड खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा और आगे क्या है। और ये सब जो लाइन है इसका पूरा हम फ्लश करेंगे, रेटर वगैरह। तो चलो जो जो करेंगे हम ये वीडियो में ऐड करेंगे।
तो ये है स्कोडा सुपर, और हो सके ये वीडियो काफ़ी लंबा हो। एक चीज़ और बताता हूँ, स्कोडा सुपर ये जो मॉडल है इसका कॉमन ये प्रॉब्लम है ऑयल पानी मिक्स होने का। कभी भी अगर वहाँ पे लाइट आता है तो ये चीज़ कभी देख लें, नोटिस करें कि इसमें ऑयल पानी मिक्स होता है तभी जाके वो लाइट आता है, ज़्यादातर 80% ऐसा है। क्योंकि मेरे पास सेम प्रॉब्लम के लिए एक और गाड़ी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये दूसरा गाड़ी है, इसका ऑयल कूलर ही खोल रहा है, जैसे कि इसका इंटेक वगैरह टोटल वगैरह खोल लिए हैं। इसमें भी ऑयल पानी ही मिक्स हुआ था लेकिन ऑयल वगैरह नहीं लीक था। तो उसके लिए इसका पूरा इंटेक मैंने फोल्ड खोल रहा है, और आप देख सकते हैं वहाँ पे इसका ऑयल कूलर आ रहा है वहाँ पे, तो वो पार्ट्स रिप्लेस करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये सुपर में ये कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो चलो इसका मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद आगे क्या क्या हम रिप्लेस करेंगे ये वीडियो में हम सब जानेंगे। तो हो सके ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। अब अपने को ना इसका जो ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर खोलना पड़ेगा, और ऑयल कूलर खोलने के लिए ना अपने को ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, ये इंटेक मैंने फोल्ड खोलना पड़ेगा, और फिर ये ऑयल फिल्टर बॉडी खोलना पड़ेगा। ये सब खोलने के बाद ही जाके हमारा ऑयल कूलर खुलेगा, और इसके लिए टोटल बॉडी, नीचे हाउस पाइप, काफ़ी ये सब तामझाम जो है ये सब अपने खोलने के बाद ही अपना ऑयल कूलर खुलेगा, क्योंकि ये इसके नीचे आता है। तो चलो ये सब खोल के मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ऑयल कूलर को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए अपने को ये ऊपर का जो भी ये पाइप हो गया, ये सेंसर हो गया, ये पाइप हो गया, ये सब खोल के लेना पड़ेगा। अभी जैसे कि इसका इंटेक मैनिफोल्ड खोल के ले लिया हूँ, और अपने को ना ये पार्ट्स रिप्लेस करना है, ये है ऑयल कूलर। तो अभी इसके लिए ना अपने को ये वाटर पंप भी खोलना पड़ेगा, ये जो पार्ट्स है ना ये पार्ट्स पूरा निकालेंगे तो जाके यहाँ स्पेस बनेगा और ये बोल्ट खुलेगा, क्योंकि इसका 4 बोल्ट है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो अभी उसके लिए अपने को ये खोलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ये पार्ट्स इसका निकलेगा। तो ये एक पार्ट डालने के लिए अपने को देखो बहुत कुछ खोलना पड़ता है, इंटेक मैनिफोल्ड हो गया, ऊपर की वायरिंग, पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, रेल उसका, टोटल बॉडी, बहुत कुछ खोलना रहता है और काफ़ी टाइम चला जाता है इसमें। तो चलो अभी ये खोलते हैं, फिर उसके बाद ये डालेंगे, फिर जो भी है, फिर फिटिंग का, फिर उसके बाद फ्लैशिंग वगैरह का जो भी है बताएंगे। 2 भाग में रहेगी वीडियो, लेकिन A to Z बताएंगे। तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसका ना आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एल्बो से भी इसका कूलेंट लीक है। तो ये चीज़ खोलते हैं और देखते हैं अपना रिंग से है या पाइप से है किधर से है। ये देखो ये जो है ना यहाँ से कूलेंट लीक है, यहाँ से गिरता है या यहाँ से। तो ये खोलते हैं और देखते हैं, साथ ही साथ ये बंद करेंगे। और एक लीक यहाँ पे है, ये सब जो है ना सब अपने को छोटा छोटा जितना भी इसमें प्रॉब्लम है सब अपने को सॉल्व करना है। तो चलो पहले तो सब खोल के ले लेते हैं, फिर आगे का जो भी रहेगा क्या क्या डालेंगे हम देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं ऑयल कूलर को डाल के ले लिया हूँ, तो वैसे मैं थोड़ा बाहर था, लड़के ने फिटिंग कर लिया। तो ये जो है ये गाड़ी का है, ये जूना वाला है।
और उसके साथ साथ इसका जो रिंग था ये रिंग भी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि कई बार होता ना ये रिंग की वजह से आगे चल के दिक्कत आ जाती, लीक वगैरह चालू हो जाता, और दूसरी बात फिर ये रिंग के लिए ना ये पूरा मजाकड़ा ना खोलना पड़ता है। तो इससे अच्छा एक ही बार जब खोले ना तो जितना रिंग वगैरह है सब चेंज कर ले तो बेटर रहता, फिर बाद में ऐसा ना हो कि एक दो महीना बाद ये रिंग लीक करे फिर इसकी वजह से वापस से पूरा मजाकड़ा खोलो। क्योंकि कैसा है ना ये सब में बार बार खोल फिटिंग में भी कितनी बार इसका टेम्पर उतर जाता है। तो चलो अभी ये मैं नया लगा लिया हूँ और उसका एल्बो से भी थोड़ा लीक था तो सब भी करते हैं। और ये क्या है, चलो ये तो रबड़ निकल रहा है। तो अब लगाते हैं अपना वाटर पंप को और अभी इसका फ्लैशिंग भी करना है कूलेंट का, रेटर का। तो मैं क्या करूँगा इसका फ्लैशिंग जो है ना पूरा फिटिंग करने के बाद बाहर मैं करूँगा और फ्लैशिंग में काफ़ी टाइम जाएगा। तो चलो वाटर पंप लगाते हैं, एयर इनटेक लगाते हैं, वो सब लगाने के बाद फिर आगे का देखते हैं। तो ये था इसका ऑयल कूलर और ये चीज़ हम रिप्लेस कर दिए। तो चलो जैसे कि सब खोल के ले लिया हूँ और फिटिंग का जो है इसको फिटिंग कर दिया हूँ, बाकी का और भी जो फिटिंग का वीडियो है वो पार्ट टू में मैं डालूँगा। तो चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप अगर पार्ट वन आपको पसंद आएगा तो आप पार्ट टू भी ज़रूर देखना और एक दूसरे का लिंक मैं ये वीडियो में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ये है स्कोडा की सुपर।